पेपर दी अटेम्पटेशन किस तरह करनी है, जेकर ये जानकारी है तो सक्सेस रेट तुहाडा वध जांदा है पीएस टेट विच। मैं जो रूल तुहानू पेपर अटेम्पटेशन दे दसन लगा हाँ उस तुहाडे लई कंपलसरी नहीं हन, दो तरह दे रूल हन। एक ओ जिहड़े है किस तरह की भी तुहाडी कंडीशन है, जनरल सारे बच्चों लई कैंडीडेट्स लई ओ रूल अपलाई होने जरूरी हैं, जनरल रूल। और दूसरा इंडिविजुअल डिफरेंस के मुताबिक, असि जानते हाँ तुहानू इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ाया भी जाता है, जेकर इत्थे अपलाई नहीं करोगे तो उस चाइल्ड डिवेलपमेंट पढ़ेगा कोई फायदा नहीं। ठीक, तो स्पेसिफिक केस मुताबिक जिहड़ी वेरिएशन होगी। हुण मैं रूल जो तुहानू दसन जा रहा हाँ वह मेन है। सब तो पहला असि वेरिएशन नू समझ लईए कि असि वेरी किद्दां करदे हाँ। दो तीन गल्लां, साडा प्रैपरेशन लैवल बहुत हाई है, मतलब तुसी दो तीन महीने बहुत ज्यादा पढ़े हो जां बहुत घट पढ़े हो, ना मात्र पढ़े हो, कल परसों तो ही पढ़े हो, बैठे टीवी देख रहे हो, मोबाइल ही देखते रहे। दूसरा है तुहाडा एबिलिटी लैवल, तुहानू खुद पता है एबिलिटी लैवल तुहाडा हाई है जां लो है। इस वेरिएशन का फर्क पैंदा है, इसलिए तुहानू सैल्फ असैसमेंट सब तो पहला तुहानू तुहाडे बारे ज्ञान होना चाहिए है। अज तक तुहानू तुहाडा ब्लड ग्रुप तो शायद पता होगा, तुहाडा लर्निंग स्टाइल नहीं पता, इतने मैं एड नहीं कर रहा, लेकिन जो लर्निंग स्टाइल है तो तुहाडियां इंस्ट्रक्शन बदल जाएगियां। अच्छा, इस तो इलावा कॉन्फिडेंस कितना है, एंग्जायटी लैवल कितना है, इस तो तुहाडी इंडिविजुअल वेरिएशन का पता लगेगा। नैक्सट है कि जो पेपर तुहाडे सामने आ रहा है ये इस नू अटेम्प्ट करन दिया, टोटल पेपर करना है ना, मान लो एक टोटल पेपर है, तुसी ओमर शीट है, एक तो लेके 150 तक इत्थे तक पहुंचना है। ठीक, वो किवें पहुंचना है, जब किवें पॉजिटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन कर लेने ही जरूरी है, ये नियम पक्का है, लेकिन किस तरह किते जान के मैक्सिमम मार्क्स ले जान। पहला फेज एक जो तुसी अप्लाई करते हो वो फेज में इत्थे नहीं दस्या, वो फेज है कि तुसी शुरू तो शुरू करते हो, इतों लगातार अटैम्प्ट करते करते लास्ट क्वेश्चन तक वधदे हो। नॉर्मली की हुंदा है कि अजिहे बच्चे 2-4-5-8-10-15% तक क्वेश्चन छड आंदे हन, जे छड आंदे हो तो फेलियर रेट वध जांदा है। हर हालत विच पेपर पूरा करना जरूरी है। दूसरिया दो अप्रोचेस की ने कि टू फेजिस, कि तुसी दो राउंड लेने हन। तीजी अप्रोच की है कि थ्री राउंड लेने हन। जेडे जब सब तो ज्यादा सक्सेसफुल कैंडीडेट्स ने वो थ्री फेज वाली अप्रोच नू फॉलो करते हैं, पर मैं पिछे कह के आया कि तुहाडी प्रैपरेशन लैवल की है ते तुहाडा एंग्जायटी लैवल टेंशन लैवल की है, उहदे मुताबक तुसी दो ए वाली अप्रोच ते आ सकते हो। दूसरी गल, जेकर तुहाडी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है थ्री अप्रोच वाली, तां तुसी टू फेज जां टू राउंड वाली अप्रोच नू अपलाई करो। टू राउंड या थ्री राउंड है कि इस तो पहला ये जान लईए, ए जो तुहाडा कोई भी क्वेश्चन है उसनू तुसी तीन कैटेगरी च वंड सकदे हो। नंबर एक, ईजी क्वेश्चन जेडे तुहानू 90-100% श्योर है, मतलब पक्का आ रहे ने। ठीक, दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चन जेडे 50-50 दे लागे छागे हैं। ठीक, तीसरा वेरी डिफिकल्ट, मतलब तुहाडे हथ खड़े हैं, ये क्वेश्चन मैनू नहीं आता, इसका कोई मीनिंग नहीं पता लगता, इसकी कोई ऑप्शन नहीं पता लगती, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला की है कि बेशक तुसी जनरल रूल आ गया, बेशक तुसी फेज राउंड वन लो, राउंड टू लो, राउंड थ्री लो, ठीक, अप्रोच केड़ी अपनानी है तुसी हुण तो ही फाइनल कर लेना चाहिदा है। एक अप्रोच यह है कि तुसी एक तो 150 क्वेश्चन तक कंटिन्यू गए, हर हालत विच टाइम तो पहला लास्ट क्वेश्चन ते पहुंचना, यह जनरल रूल है सारे लिए है, हर हालत विच लास्ट क्वेश्चन ते पहुंचना इसलिए जरूरी है कि कई बार लास्ट जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हैं वो तो अड्डे लिए इन्ने इजी पे होंगे हैं, लेकिन असि छड के आ जाने हैं। दूसरी गल कि जो असि एक बार इन्हों पढ़ लेने हाँ तो साडा सबकॉन्शियस माइंड जेडे डिफिकल्ट क्वेश्चन असि एक एक बार रीड करके छड के आ गए हाँ उहदे लिए चलता रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड उन्होंने उत्तर कई बार 10-20% उत्तर लभ लैंदा है, जां इनफॉर्मेशन प्रोसैसिंग चलती रहती है, उहदे रिगार्डिंग इनफॉर्मेशन कलैक्ट जब तक कर लैंदा है, तां ही घट्टो घट दो राउंड या तीन राउंड वाली अप्रोच बैटर हुंदी है। अच्छा, पहला असि डिस्कस करन लगे हां टू राउंड वाली अप्रोच। असि जानते हां कि साडे कोल एक तो 150 मिनट हन जिहड़े इत्थे खत्म हो जांदे हन। पहला राउंड नंबर वन विच तुसी की करना है कि ईजी ते डिफिकल्ट जिहड़े असि इत्थे देख के आए हां ए वाली अप्रोच, ईजी ते डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन नाल नाल करदे जा रहे हो, इस नाल की फायदा रहेगा
कि तुसी जिन्ने क्वेश्चन तुहाडे कलावे विच आ सकदे सी ओ शोर कर लोगे, तुसी सिर्फ ओ क्वेश्चन छड रहे हां जिस ते तुहाडे हाथ खड़े हन, जिस दा तुहानू कोई उत्तर नहीं आ रहा जां जिस दी कोई इनफॉरमेशन नहीं है। ए अकॉर्डिंगली जिन्नी तैयारी कीती हर बच्चे लिए वखरा होएगा। सो एदा एक रूल तुहानू दिंदा हां, जे 60 सैकेंड तो कोई क्वेश्चन तुहाडा वध टाइम ले रहा है ते जां 70 सेकंड तक किते ते उस क्वेश्चन नूं तुहानूं छड़ देना चाहिदा है। ठीक, जे असी लिमिट 60 सेकंड तक रखांगे 70 सेकंड तक रखांगे तां असी नॉर्मली इस तों ज्यादा टाइम लगा दिंदे हां। दैट इज वाई नाल नाल घड़ी देखनी जरूरी है कि तुसीं 10 क्वेश्चन बाद देखो कि मैं की ठीक पेस ते चल रहा हां। सो इहदे विच की है कि तुसीं 140 मिनट विच जां 135 मिनट विच 15 मिनट जां 10 मिनट तुहाडे कोल बचे है ए क्वेश्चन तुसी कर ले। मान लो एदे विच तुसी 90 क्वेश्चन क्लियर कर ले है पहले राउंड विच, हुण तुसी जेड़े 15 मिनट तुहाडे बचदे हन, 15 मिनट च जे तुहाडे 50 क्वेश्चन जां 60 क्वेश्चन बचदे हन, मान लो जिन्ने भी क्वेश्चन बचदे हां मैनूं नहीं पता, उहनां दा तुसी गैस वर्क लगाना है। गैस वर्क लगाउण लई मैं वक्खरी वीडियो देवांगा। ओ गैस वर्क हुण तुसी बिल्कुल रैशनल रीजनिंग अप्लाई कर चुके हैं, लास्ट 10 मिनट बचे हैं, इस नूं रैंडम गस कहंदे हन, वो हर हालत विच टिक करके ही आने हन। सो ए है 2 राउंड वाला मेथड। 3 राउंड वाला मेथड की है कि 3 राउंड साडे कोल है, एक तो 150। ठीक, पहले वांग असी की कीता पहले राउंड विच, फर्स्ट राउंड विच मोस्ट इजी क्वेश्चन केड़े है जेड़े पढ़ते सारे ही मैनू आंदे हैं, बेशक वो 40 ने 50 ने किन्ने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। ठीक, इट मीन्स तुसी कोई पहले 40-50 मिनट विच 40 या 50 मिनट विच 150 क्वेश्चन इत्थे तक पहुंच जाना है। ठीक, दूजे राउंड विच तुसी इत्थे तुसी देख सकदे हो, दूजे राउंड विच पहला तुसी जेड़े शोर सी इजी ओ कर ले। ठीक, इत्थे वाले मिनट नहीं देखने तुसी। दूसरा है कि जेड़े तुहानू थोड़ा टाइम लग रहा है उसनू थोड़ा सोचना पै रहा है, दूजे राउंड विच तुसी ओ क्वेश्चन कर रहे हो, ए दूजा राउंड है जेड़े सोच सोच के क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, जे इत्थे तुसी 40-50 जे 60 मिनट भी लगा देते हैं ते नेक्स्ट तुसी 60-70 मिनट इत्थे लगा रहे हो। ठीक है, कुल मिला के लास्ट तक तुहाडे कोल 10 तों 5 मिनट जरूर 10 मिनट बचे हो। 10 मिनट एक तीजे राउंड विच, तीजे राउंड विच की करना है कि ए दो 10 मिनट बचे हन जिदा के राउंड फर्स्ट विच कीते सी, इत्थे तुसी जेड़ा भी क्वेश्चन छड्या होया है उसका कोई ना कोई ऑप्शन टिक करके आना है, इस दे लिए वखरा वीडियो दिता जाएगा। सो ए है 3 राउंड मेथड के पहले विच मोस्ट इजी, दूसरे विच ओ डिफिकल्ट जिते सोचना पैंदा है, तीसरे विच बिल्कुल जिहदे नहीं आंदे। ठीक, जेकर तुहानू तुहाडी प्रैक्टिस है तां ए अप्रोच अपनाइयो, जेकर प्रैक्टिस नहीं है तां तुसी ए वाली अप्रोच अपना लियो। हर हालत विच राजे लास्ट विच दे क्वेश्चन तक, इत्थे क्वेश्चन तक हर हालत विच पहुंचो जरूर। जेड़ा एदे पिछे जनरल प्रिंसिपल काम कर रहा है वो जान लेना बड़ा जरूरी है। ए मेरे क्वेश्चन दी डिफिकल्टी लेवल है, सचमुच एक मैं टेस्ट लिया है ते ए स्टूडेंट्स ने जो टाइम लिया ते ओदा राइट दे रॉन्ग रिस्पांस होया वो नोट कीता। देखो कुछ क्वेश्चन तुहाडा टाइम किन्ना ज्यादा ले रहे हन, कई बार इन्ना ज्यादा टाइम लैण तो बाद भी क्वेश्चन रॉन्ग हुंदा है। मैं की कहना चाहना हां कि जदो किसी क्वेश्चन दे ज्यादा टाइम कंज्यूम करदे हो तुसी ते ओ कंज्यूम तुसी नहीं करना, ओ लास्ट राउंड ते तुसी सोच सकदे हो, क्योंकि ज्यादा टाइम जा एनर्जी लगा के तुसी जे एक नंबर खटिया ता ओदे नालो ए चंगा सी कि सौखे वाले तुसी 3 या 4 नंबर खट लो कमा लो। ठीक, अच्छा ए क्वेश्चन सुनदी रही रुकावट है जिदा ऑब्सटेकल रेस हुंदी है ए, ते जिहड़े लूजर कैंडीडेट ने ओ इत्थे हारदे हन, क्यों? क्योंकि ओ इना ते ज्यादा एनर्जी ला दंदे हन, रुक जांदे हन। मैं नियम की है जनरल के तुरदे जाना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है,
चलते रहने लिए की है कि जिहड़ा भी क्वेश्चन तुहाडे एरिए दा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर दा है, जां तुहानूं सॉरी ग्रामर दा नहीं, पैराग्राफ वाले जिहड़े ज्यादा टाइम लैंदे हन, कई बार पैराग्राफ वाले सीधे क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर मिल जाते हैं, वह जरूर सोल्व कर लो। ये हुण तुहानूं पता है कि तुहाडा डिफिकल्ट एरिया किहड़ा है, जिदा कि मैं पिछे गल करके आया सी के तुहानूं एबिलिटी लैवल, इसे तरह एरिया लैवल भी है तुहाडा। फॉर एग्जाम्पल किसी नूं एनवायरमेंट दे औखे लगते हैं, किसी नूं इंग्लिश दे औखे लगते हैं, जिहड़ी भी एरिया तुहानूं औखा लगता है, जे ये मेरा नियम समझ नहीं आता तो जिहड़ा भी क्वेश्चन तुहाडा टाइम कंज्यूम एक हद तो 60-70 सैकेंड तो ज्यादा लैंदा है, उसनूं उसे वक्त छड़ दो, उसे वक्त छड़ दो। जां दूसरा नियम कि जे तुहानूं ये पहला तो ही पता है कि ये एरिया मैनूं मान लो मेरे लिए मैथ्स औखा है, जां कैलकुलेशन औखी है, जां मेरे लिए पैरा पढ़ना औखा है, ठीक है, ये तुहानूं तुहाडा ज्यादा पता है, तां तुसीं उत्थे ही पहला ही उन्हों सोच लेना है कि इन्हों मैं घट टाइम देना है। ठीक, जिहड़े स्टूडेंट्स ने ईवन ज्यादा हाई एबिलिटी ते तैयारी वाले स्टूडेंट्स ने भी दस्या है कि जिहड़े क्वेश्चन ज्यादा टाइम लैंदे हन जे असीं छड्डदे हां तां साडा स्कोर वध जांदा है। कोई भी अजिहा शख्स नहीं है कि जिहड़ा 100% तुसीं हैरान होवोगे कि जिहड़ा 100% राइट रिस्पोंस जानदा होवे जां जिहदे लई कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बचदे हन। जनरली 10 to 30% क्वेश्चन जिहड़े है सानू मोस्ट डिफिकल्ट लगते हैं, सो ओ वाले क्वेश्चन तुसी लास्ट दे करने हैं ते अपना टाइम सिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक, इस तो इलावा जे ए तुसी देख सकते हो जिहड़ियां मिस्टेक्स करते हैं, टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है, वाच तुसी शायद अंदर जे ले जा सकते हो, इंस्ट्रक्शन विच जेहा कुछ नहीं लिखिया, ते तुसी टाइम हर 15 मिनट बाद टाइम जरूर देखो कि तुसी उस पेस ते चल रहे हो, कि तुसी लास्ट क्वेश्चन ते पहुंच जाओगे, कि मैं सेकंड राउंड ले लांगा, कि मैं सारे टिक कर दांगा, जो भी अप्रोच अपनाई हुई है, हुण इस अप्रोच नूं अप्लाई किदां करना ये समझ लो। नंबर एक, इस दी प्रैक्टिस एक दिन पहला जरूर करके जाओ, एक पेपर ते बेशक 30 वाले ते नहीं, तो दूसरा नंबर कि विजुअलाइज करो कि मैं 2 राउंड वाली अप्रोच लै रहा हाँ, 2 राउंड अप्रोच विच मैं घट्टो घट 10 मिनट पहला 15 मिनट पहला मैं क्वेश्चन सारे कर लेने हैं, और उस तो बाद मैं 10 मिनट विच बाकी दे क्वेश्चन सारे टिक मार्क करके आने हैं। ए अप्रोच जनरली गलत होंदी है कि जिहड़ा क्वेश्चन तुहानूं नहीं आंदा वो नाल नाल ही जां तुसीं तुक्का जिहड़ा मारना है वो नाल नाल ही मारिया जावे, रूल के नाल नाल तुक्का नहीं मारना, कई बार तुसीं तुक्का मार दिंदे हो गलत आंसर हो जाता है, लेकिन लास्ट ते तुहानूं दा इनफॉर्मेशन आ जाती है, कई बार तुसीं इत्थे तुक्का मार दिंदे हो ऑप्शन फिल कर दित्ती, ठीक, ऑप्शन फिल करन तो बाद पता लगता है कि इत्थे ऑप्शन फिल कर दित्ती, ऑप्शन फिल करन तो बाद इत्थे उहदा आंसर अगले क्वेश्चन विच क्लू पिया हुंदा है ते उत्थों भी तुहानूं आंसर मिल जाता है। सो इस लई ए रिक्वेस्ट है कि हर हालत विच जो तुक्के जिहड़े है गैस वर्क जिहड़ा करना है, बेशक ओह रीजनिंग थोड़ी रीजनिंग जां रैंडम वाला है जां जिहड़ा वेरी डिफिकल्ट वाला है लास्ट ते कीता जावे। हां, एक होर बड़ी जरूरी गल, असी ये गल कर रहे हैं अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं, टाइम तो पहला रीच करना है, रूल लिखे हुए ने, अच्छा उहदे लई डिफरेंट अप्रोच है, तुहानूं कीहड़ी अप्रोच 1 राउंड वाली, 2 राउंड वाली, 3 राउंड वाली, 2 या 3 राउंड वाली बैटर है, 1 राउंड वाली अच्छी नहीं है। अच्छा, कई बच्चे ये सोचते हैं कि पहला मैं केड़ा यूनिट करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पहला करना है या लैंग्वेज करना है या ये करना है, जेकर तुहाडा कॉन्फिडेंस लेवल घट है तो तुहानू ये पता है कि मैं सब तो ईजी मेरे लिए यूनिट मान लो सोशल साइंस है जे तुहाडे लिए है, ठीक है, जां तुहाडे लिए एनवायरमेंट है, जिहड़ा भी तुहाडे लिए सौखा यूनिट है जां सौखा इसका पार्ट है सब्जेक्ट का, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ એનર્ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਲਗਾਈਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੈ
के दूसरी अप्रोच ये है कि तुसी पहले तो लास्ट वाले तक जा रहे हो, जेड़ा मर्जी पेपर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पेपर पहला ये आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, मतलब जिस ऑर्डर विच दिते गए है उस ऑर्डर विच चल रहे हो। ये वैसे बैटर ते आसान है जे तुहाडी प्रेपरेशन कीती हुई है, तां एक अप्रोच अपनानी चाहीदी है। जे तुहाडी जे तुसी कन्फ्यूज्ड डिस्टर्ब ते एंजाइटी फियर विच हो हां ते कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर वह दूसरी अप्रोच अपनानी चाहीदी है। अच्छा, इस अप्रोच विच जे तुहानू कोई ऑब्सटैकल वड्डी दिख रही है, मान लो लैंग्वेज विच पैराग्राफ आ गए, उसनू जल्दी करके जे कोई मिलता है ठीक है, नहीं तो जल्दी छड़ दो। हर हालत विच लास्ट विच पहुंचना जरूरी है। ओएमआर शीट बैटर है कि जेड़ा क्वेश्चन तुसी हल कर लिया है, दो तरह के बच्चे ने, एक ओएमआर जोड़ा आंसर शीट है पहला उत्ते टिक कर लेंगे ने, बाद विच उसने फिल करते हैं, जनरली वो गलती कर लेंगे हैं, नालों नाल फिल कर कीती जावे तो ठीक है, पर फिर इंडिविजुअल डिफरेंस, जे तुसी कॉन्फिडेंट हो कि मैं उसे तरह पक्के इस वेले हो कि मैं उसे तरह करना है, पहला आंसर शीट ते फिर ओएमआर ते, फिर अपने आप नूं डिस्टर्ब ना करियो ये वीडियो देख के। सो प्रेफर योर एरिया जेड़ा जिच तुसी एक्सपर्ट हो उसनूं प्रेफर करो, अवॉइड जिच वीकेस्ट हो, मैं पहला गल्ला दस आया हां। सो हर हालत विच पेपर पूरा करो, बाकी गैस वर्क किवें लगाना है वो मैं वक्रे वीडियो ते एक वीडियो के डिफिकल्ट क्वेश्चन नू, क्योंकि पेपर पेंसिल टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है, उसनू किदां सॉल्व करना है, जिस नाल तुहाडे दो चार मार्क्स में इदां नहीं वड्डी वाधा नहीं करदा, दो चार मार्क्स जरूर वध सकते हैं, तुसी वो वीडियो देख सकते हो। थैंक।